नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। रोटी के साथ गलती से भी ना खाएं ये चीज, वरना हो सकता है पेट का कैंसर। घर की रोटी खाने से व्यक्ति के शरीर को जो ताकत मिलती है वो बाहर का खाना खाने से कभी नहीं मिलती। इसमें कोई शक नहीं कि घर का खाना बाहर के खाने से कहीं ज्यादा पौष्टिक और स्वच्छ होता है। हालांकि लोग आज के समय में घर की बजाय बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, मगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कभी कभी बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। वही जो लोग घर की रोटी खाते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है। हालांकि आज हम आपको एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको रोटी के साथ भूलकर भी नहीं खानी है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चीज को रोटी के साथ खाने से शरीर में धीरे धीरे कैंसर की बीमारी हो सकती है। इसलिए अगर आप कैंसर जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो इस खबर को जरा ध्यान से देखिए। गौरतलब है कि भूलकर भी रोटी और चावल एक साथ नहीं खाने चाहिए। जी हाँ, कभी कभी कुछ लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं, यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कुछ लोगों को चावल के साथ रोटी खाने की आदत है, मगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये हानिकारक हो सकता है। बहरहाल कुछ लोग ऐसे हैं जो अनजाने में गलती कर बैठते हैं, या ये कहा जाए कि अधिकतर लोग रोटी और चावल एक साथ खाते हैं। आपको बता दें कि रोटी और चावल एक साथ खाने से पेट का कैंसर हो सकता है। रोटी और चावल को एक साथ खाने से कैलोरी की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण आपका पेट और स्वास्थ्य असहज महसूस कर सकता है। इससे आपको अच्छी नींद नहीं आती, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चावल खा रहे हैं तो आप चावल ही खाएं और इसके साथ रोटी ना खाएं। अगर आप रोटी और सब्जी खा रहे हैं तो केवल रोटी और सब्जी ही खाएं, चावल ना खाएं। आपको बता दें कि चावल और रोटी एक साथ खाने से आपको पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी परेशानी ही बढ़ेगी। तो जनाब, अब आप जान गए होंगे कि चावल और रोटी एक साथ नहीं खाना है। इस बारे में डाइटिशियन का कहना है कि रोटी ज्यादा आसानी से पचती है और इसे खाने से अच्छी नींद आती है। बहरहाल आपको रात में रोटी खानी चाहिए ताकि वो आसानी से पच जाए, और हल्का फुल्का अगर आप खाना खाएंगे तो आपको आसानी से पचेगा। और चावल खाने से पेट फूल जाता है, इसलिए रात में चावल का सेवन ना ही करें तो अच्छा। डायबिटीज के मरीजों को तो चावल खाने ही नहीं चाहिए, इसके साथ ही अस्थमा के मरीज को भी चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उससे उनकी सांसें फूल जाती हैं। तो आप इस बेहतरीन जानकारी के बारे में अपने कमेंट्स दे सकते हैं। पसंद आए तो लाइक जरूर करें।